नमस्कार दोस्तों, आज हम टेस्ट डिस्कस करेंगे डाई पेनेट्रेंट टेस्ट के बारे में। ऑलरेडी हमने चैप्टर नंबर 2 डिस्कस डेप्थ में किया हुआ है पीछे की बैच में, लेकिन ये जो नया बैच है उसमें डाई पेनेट्रेंट टेस्ट का कल से जो स्टार्ट हुआ है, एक चैप्टर तो हमने फिनिश कर दिया है, तो आज चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे डाई पेनेट्रेंट टेस्ट का प्रिंसिपल एंड इट्स मेथड के बारे में। ठीक है, तो कुछ लोग डीपीटी को लिक्विड पेनेट्रेंट टेस्ट भी बोलते हैं, एलपीटी भी बोलते हैं, कुछ लोग डीपीटी भी बोलते हैं डाई पेनेट्रेंट टेस्ट, कुछ लोग उसको खाली पीटी भी बोलते हैं पेनेट्रेंट टेस्ट। तो ऐसा घबरा नहीं जाने का, ओ ये क्या हो गया, ये क्या नया है। तो तीनों का नाम सेम ही है, नया कोई रॉकेट नहीं है। ओके, तो चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है डाई पेनेट्रेंट टेस्ट प्रिंसिपल एंड इट्स मेथड के बारे में। ठीक है, ओके, यहाँ पे हम लोग टोटल 8 चैप्टर का डिस्कशन करेंगे, तभी जाके एलपीटी खत्म होगा। कल मैंने समझाया कितना आवर्स का ट्रेनिंग है, टोटल 12 आवर्स मिनिमम। आप लोग ज़्यादा भी आवर्स कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 16 आवर्स का आपको क्लासरूम ट्रेनिंग देगा। कितने आवर्स का? 16 आवर्स एज पर SNTTC 1A। कितने आवर्स का ट्रेनिंग चाहिए? 12 आवर्स का एज पर SNTTC 1A 2020 जो है उसमें 12। अगर डायरेक्टली आप लेवल 2 कर रहे हैं तो 4 लेवल 1 के लिए और 8 लेवल 2 के लिए, तो 4+8 टोटल कितना हुआ? 12। लेकिन मैं आपको 16 आवर्स का ट्रेनिंग देगा ताकि आपका डीपीटी फिनिश हो जाए। उसमें मैं प्रैक्टिकल भी कवर करेगा, ठीक है, उसमें मैं आपको क्वेश्चन आंसर देगा चैप्टर बाय चैप्टर, वो भी आपको डे टू डे वाइज सॉल्व करना है। ओके, यहाँ पे टोटल 8 चैप्टर है, 8 चैप्टर का हम पूरा का पूरा डेप्थ में डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हमने चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर लिया है, चैप्टर नंबर 2 आज स्टार्ट कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल धामेलिया, आप सभी का वेल्डिंग नॉलेज यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। यहां पे मेरा पर्सनल नंबर है, यहां पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपको टेक्निकल डाउट है कोड के रिगार्डिंग में, ASME कोड के रिगार्डिंग में, ठीक है, तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपका सॉल्व करेगा। ठीक है, ओके, दूसरी बात, किस लोगों को लेवल 2 करना है तो वो दीपेश पटेल को कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे उसका नंबर है जो आपको डे टू डे PDF यूट्यूब से और आपको डे टू डे आपको व्हाट्सएप में प्रोवाइड करता है, राइट। ओके, अभी जिन लोगों को लेवल 3 भी करना है वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं, लेवल 2 भी करना है वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी को रिन्यूअल करवाना है तो भी आप दीपेश पटेल को या फिर मुझे कांटेक्ट करेंगे तो हम लोग आपको सर्टिफिकेट रिन्यू करके भी देंगे। ओके, डाई पेनेट्रेंट टेस्ट जो है उसका प्रिंसिपल एंड मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं। तो लिक्विड पेनेट्रेंट टेस्टिंग, देखो यहाँ पे डीपीटी नहीं, यहाँ पे लिक्विड लिखा, देखा, लिक्विड पेनेट्रेंट टेस्टिंग इज अ नॉन डिस्ट्रक्टिव मीन्स ऑफ लोकेटिंग सरफेस डिसकंटिन्यूटी बेस्ड ऑन कैपिलरी या तो कैपिलरी एक्शन, सरफेस डिसकंटिन्यूटी। तो ये जो हमारा मटेरियल है उसकी सरफेस के ऊपर ओपन टू द सरफेस डिसकंटिन्यूटी होगा, जो यहां से ओपन होके अंदर गया होगा या अंदर से निकल के ओपन हुआ होगा, सरफेस के ऊपर उसका मुंह खुला होगा, वैसे ही डिसकंटिन्यूटी डाई पेनेट्रेंट टेस्ट में फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो इसका मुंह खुला है, देखा यहां पे एक क्रैक है, ठीक है, एक क्रैक है। अगर आप पेनेट्रेंट टेस्ट लगाओगे तो क्या होगा, इसमें पेनेट्रेंट अंदर घुसेगा, रेड कलर का होता है। ठीक है, यहाँ पे अभी मेरे पास पेनेट्रेंट है वो रेड कलर का है, ठीक है, देखो ये मैं पेनेट्रेंट दिखा रहा हूँ, ये जेड चेक का पेनेट्रेंट है, दूसरा भी मेरे पास पेनेट्रेंट है वो भी दिखाता हूँ, एक फ्लो चेक का है। ठीक है, तो ये जो पेनेट्रेंट है वो रेड कलर का होता है जनरली, उसके तो बहुत सारे कलर है लेकिन जो हम लोग इंडिया में और गल्फ कंट्री में कौन सा यूज कर रहे हैं, रेड कलर। ठीक है, तो ये जो कलर है वो क्या करेगा, पहले तो हम अप्लाई क्लीन करेंगे, क्लीन करने के बाद मटेरियल को क्लीन करने के बाद वो पेनेट्रेंट लगाएंगे तो पेनेट्रेंट अंदर जाएगा, अंदर जाने के बाद वो किसके हिसाब से अंदर जाएगा, तो गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से नहीं जाएगा, उसका कैपिलरी एक्शन होता है। ठीक है, कैपिलरी एक्शन एक ऐसा चीज है जिससे मटेरियल के डिसकंटिन्यूटी के अंदर तक वो पेनेट्रेंट घुसेगा, फिर आप उसको साफ कर देंगे, यहां से क्लीन कर देंगे। अगर आप यहां से क्लीन करेंगे, जैसे कि यहां पे ऐसा क्लीन कर दिया है तो अंदर तो रहेगा, अंदर तो गया हुआ रहेगा, राइट, अंदर। अभी क्या करेंगे आप लोग, उसको डेवलपर मारेंगे, नॉन एक्वास डेवलपर या फिर वेट डेवलपर, ड्राई डेवलपर, बहुत सारे यहां पे डेवलपर अवेलेबल है, वो आने वाले चैप्टर में मैं आपको समझाएगा। डेवलपर मारेंगे तो व्हाइट कलर उसके ऊपर अप्लाई होगा, फिर क्या होगा, ये जो है ना इसका स्ट्रॉन्ग कैपिलरी एक्शन होगा, क्या होगा, स्ट्रॉन्ग कैपिलरी एक्शन होगा, कैसा एक्शन, जोर से,
वेरी गुड, स्ट्रॉन्ग कैपिलरी। इसका तो कैपिलरी एक्शन होने ही वाला है पेनेट्रन का, उसकी वजह से डिसकंटिन्यूटी के अंदर जो है हमारा पेनेट्रन घुसेगा ही, लेकिन फिर साफ कर दिया और ये अंदर वाला फिर बाहर नहीं निकलेगा। जैसे ही हम डेवलपर घुसाएंगे, डेवलपर मारेंगे उसको स्प्रे करके, या तो डेवलपर आप छींटा मार के, जो भी है ड्राई एंड वेट डेवलपर बहुत टाइप है, ठीक है, तो ऐसा करके आप अंदर घुसाएंगे, जैसे ही डेवलपर मारेंगे तो डेवलपर क्या करेगा, अंदर जाएगा, अंदर जाने के बाद इसको बाहर निकालेगा और यहाँ पे रेड कलर हमको शो करेगा, तो हमको पता चलेगा यस यहाँ पे मटेरियल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, मटेरियल में यहाँ पे कुछ ना कुछ डिसकंटिन्यूटी है, तो रेड कलर हमको अच्छे से दिखेगा। वो प्रैक्टिकल आएगा तो मैं समझाएगा, लेकिन अभी कम से कम थियोरी कंप्लीट कर लो। प्रैक्टिकल तो ऑलरेडी मैंने यूट्यूब में भी डाला हुआ है और आने वाले टाइम में मैं बहुत सारा फ्लोरोसेंट का भी प्रैक्टिकल करवाएगा, वाटर वॉशेबल का भी प्रैक्टिकल करवाएगा, वो सब चीज़ प्रैक्टिकल भी, उसका रिकॉर्ड भी ऐसा है तो मैं ड्राई में डाल देगा, ठीक है, ओके। लिक्विड पेनेट्रेंट टेस्टिंग इज अ नॉन डिस्ट्रक्टिव मीन्स, तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है ये, राइट। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कितने हैं टोटल, टोटल नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कितना है, 16, टोटल 16 नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है, कल हमने डिस्कस किया ना 16 मेथडों में से, ये भाई साहब एक बड़ा मेथड है लिक्विड पेनेट्रेंट टेस्टिंग, वो भी एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट का है। और लॉकेटिंग, लॉकेटिंग मतलब क्या ढूंढता है, सरफेस डिस्कंटिन्यूटी, कैसा डिस्कंटिन्यूटी, सरफेस डिस्कंटिन्यूटी किसके बेस से, कैपेलरी हो या तो कैपेलरी एक्शन हो। मैं अलग से देखो डिफरेंट कलर से मैं इसको हाईलाइट किया है, ये आपको क्वेश्चन मार्क्स क्वेश्चन आने वाला है आपकी एग्जाम में, तो आप लिख लो प्रिंसिपल, कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है डाई पेनेट्रेंट टेस्ट, तो कैपेलरी एक्शन से काम करता है। आपको इंटरव्यू में भी यही पूछा जाएगा, इवन आप 12 साल हो गया है और कोई कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो शायद इंटरव्यूअर ये भी पूछ ले, आपको एक बेसिक चीज है ये आपको पता ही होना चाहिए, ये इंटरव्यूअर का मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन रहता है, मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है, डाई पेनेट्रेंट टेस्ट कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, तो आपको बोलना है कैपेलरी एक्शन, ठीक है, ओके। इन द लिक्विड पेनेट्रेंट मेथड द लिक्विड इज अप्लाइड टू द सरफेस ऑफ द स्पेसिमेन, तो ये स्पेसिमेन है, ठीक है, इसको जॉब भी बोलते हैं, कुछ लोग जॉब भी बोलते हैं ना, ये मेरा जॉब है, स्पेसिमेन है, या तो फिर मटेरियल है, जो भी आप समझो, ठीक है। तो लिक्विड पेनेट्रेंट टेस्ट मेथड है वो, लिक्विड इज अप्लाइड टू द सरफेस ऑफ द स्पेसिमेन, स्पेसिमेन के ऊपर अप्लाई करना है पेनेट्रेंट टेस्ट को, एंड सफिशिएंट टाइम इज अलाउड टू पेनेट्रेंट द सरफेस डिस्कंटिन्यूटी, मतलब फिर आपको पेनेट्रेंट लगा दिया, पेनेट्रेंट लगाने के बाद कुछ टाइम तक आपको रुकना है, क्यों रुकना है भाई कुछ टाइम के लिए, क्योंकि वो जो कलर लगाया है, डाई लगाया है, डीपीटी का पेनेट्रेंट लगाया है, वो अंदर घुसने के लिए उसको टाइम चाहिए ना, तो वो टाइम के लिए आपको कुछ टाइम तक रुकना है। कोड में तो जनरली दिया है 5 मिनट 10 मिनट ऐसा दिया है, वो तो कोड चैप्टर नंबर 8 आएगा तो मैं समझाएगा, लेकिन आपको कुछ टाइम तक रुकना है, और रुकने के बाद सफिशियंट टाइम आप रुक गया है, इफ द डिस्कंटिन्यूटी इज स्मॉल एंड नैरो, इट वाज अ क्रैक और पिन होल, कैपिलरी एक्शन असिस्ट द पेनेट्रेशन, अगर कोई भी छोटा मोटा डिस्कंटिन्यूटी है, पिन होल है, पोरोसिटी है, तो उसके अंदर कैपिलरी एक्शन क्या करेगा, पेनेट्रेंट के अंदर कैपिलरी एक्शन जनरेट होगा और वो एक्शन क्या करेगा, अंदर तक पेनेट्रेंट को जाने करने देगा, मतलब जाएगा वो। वैसे पानी में भी पेनेट्रेंट पानी होता है, उसमें भी कैपिलरी एक्शन होता है, लेकिन बहुत कम होता है, कैपिलरी एक्शन तो सभी लिक्विड में होता है, किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है, तो ये जो लिक्विड है हमारा पेनेट्रेंट कहाँ गया भाई, ये पेनेट्रेंट, ठीक है, ये जो पेनेट्रेंट है उसका कैपिलरी एक्शन स्ट्रांग रहता है, तो वो अंदर तक जाएगा, ले सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड ऑन योर मटेरियल, आपका कैपिलरी एक्शन कैसा चाहिए वो, अगर एकदम हेयरलाइन क्रैक रहेगा तो आप नहीं ले सकते, अगर आपका एकदम हेयरलाइन क्रैक रहेगा तो आपको पेनेट्रन ही यूज करना पड़ेगा, ओके। तो ये समझ में आया, यहाँ पे देखो ये पेनेट्रेंट गया है, ठीक है, रेड कलर का, फिर आप उसने साफ कर लिया, फिर यहाँ से ये देखो यहाँ पे जाता हुआ दिखाया, देखा आपने यहाँ पे क्या लिखा है, जोर से बोलो, ओके वेरी गुड, यहाँ पे भी एक छोटा सा हेयरलाइन क्रैक, अभी हेयरलाइन मतलब हमारे बालों जैसा, एकदम बालों जैसा पतला सा, यहाँ पे हेयरलाइन क्रैक है, यहाँ पे मैंने पेनेट्रेंट टेस्ट लगाया होगा, पेनेट्रेंट लगाया होगा, फिर वो डेवलपर लगाया, तो डेवलपर से डेवलपर अंदर गया उसकी जगह पे, और ये भाई साहब बाहर निकला, क्या निकला, पेनेट्रेंट बाहर निकला, तो यहाँ पे हमको रेड, ओह यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, क्यों, क्योंकि पेनेट्रेंट निकला है, समझे आप,
ओके अभी आफ्टर सुफिशियंट टाइम हैज पास्ड टू पेनेट्रन एंटर टू द डिसकंटिन्यूटी, पहले पेनेट्रन आपने अप्लाई किया मटेरियल के ऊपर, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये पेनेट्रन आपने पहले अप्लाई किया, फिर कुछ टाइम तक रुकना है, कुछ टाइम तक इसके लिए रुकना है क्योंकि इसके अंदर कोई डिसकंटिन्यूटी है, वहाँ पे पेनेट्रन अंदर डेप्थ तक जाएगा, उसके लिए आपको थोड़ा टाइम रुकना है, रुकने के बाद फिर सरफेस ऑफ पार्ट इज क्लीन, फिर आपको क्लीन करना है इसको क्लीनर से, ये क्लीनर है हमारा, ठीक है, ये क्लीनर से आपको क्लीन करना है, क्लीनर से क्लीन करने के बाद फिर आपको डेवलपर अप्लाई करना है, डेवलपर अप्लाई करेंगे तो जहाँ पे भी छोटा मोटा डिसकंटिन्यूटी होगा वो तुरंत रेड कलर उसके बाहर निकलेगा, और ज़्यादा रेड कलर निकलेगा तो हमको ऐसा समझना है ज़्यादा डेप्थ में कोई डिसकंटिन्यूटी, कम निकलेगा लेकिन निकलेगा तो पता चल जाएगा यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी, तो आपको वहाँ पे मार्क करना है कि यहाँ पे भाई साहब कोई डिसकंटिन्यूटी है, प्रोडक्शन इंजीनियर को बोलना है, वो ग्राइंडर को बोलेगा, ग्राइंडर वहाँ से काट देगा, ग्राइंडर फिर अगर क्वालिफाई है तो पेनेट्रन टेस्ट करता जाएगा, जब तक उसको कलर मिलेगा वहाँ तक मतलब रेड कलर वापस मारता जाएगा, पेनेट्रन करता जाएगा, पेनेट्रन टेस्ट करता जाएगा, जब तक वो बंद नहीं होगा ना तब तक वो खुदाई करता जाएगा, क्या बोलते हैं, एक्सक्वेशन कर जाएगा, ठीक है, काटता जाएगा वो, और लास्ट में उसको कुछ भी नहीं मिला तब आपको बुलाएगा, भाई साहब सर आ जाओ आप देख लो मैंने सब ओके कर दिया, तब आप देखेंगे और ओके बोलेंगे, फिर वो वेल्डर आएगा, वेल्डर वेल्डिंग मार के उसको भर देगा, उसको थिंगड़ा मारना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थिंगड़ा, ऐसा ही हुआ ना, ठीक है आगे बढ़ते हैं, ठीक है, After sufficient time passed to the penetrant enter to the discontinuity, the surface of the part is cleaned, करना है, capillary action again employed act to bloater and drawn the penetrant up from the discontinuity. Okay, अभी developer लगा दिया, तो developer क्या करेगा, उसमें penetrant से भी strong capillary action होगा, कैसा होगा, उससे भी strong capillary action होगा, तो वो क्या करेगा, penetrant यहाँ पे घुसा हुआ है तो डेवलपर अंदर घुसेगा और यहाँ पे जगह करना पड़ेगा ना, दोनों साथ में तो नहीं रह सकते ना, दोनों साथ में रह सकते हैं मे बी, लेकिन उसको स्ट्रॉन्ग कैपिलरी एक्शन है, इसके लिए एक चीज अंदर जाएगा, एक दूसरा चीज ऊपर आएगा, तो रेड कलर ऊपर आएगा तो हमको क्या पता चलेगा, ओ यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, समझे, डिसकंटिन्यूटी है, ओके अभी बात करते हैं लिक्विड पेनेट्रेंट टेस्टिंग के टेक्निक्स की, कैसे होता है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, पेनेट्रन अप्लाई टू द सरफेस एंड एंटर द डिफेक्ट, तो यहां पे कोई एक डिफेक्ट है, समझो पेनेट्रन आपने मटेरियल के ऊपर अप्लाई कर दिया, अप्लाई करना मतलब डालना, ठीक है, ये रेड कलर का कपड़ा दिख रहा है ना, ये पुराना बैच वाले सब लोग करके गए हैं, ठीक है, ये ऐसे कपड़े के ऊपर आपको पेनेट्रन घुसाना है, ये पेनेट्रन मारना है, फिर इसके ऊपर ऐसे पोंछना है, मतलब लगाना है, ठीक है, ऐसे करके आपको इसमें लगाना है, एक ही डायरेक्शन में लगाना है, ठीक है, ऐसा लगा दिया, कुछ टाइम तक रुकना है, फिर वो उसको क्लीन करना है, क्लीन कपड़े से, ऐसा एक कॉटन होना चाहिए, ध्यान रखो भाई, प्रॉपर अच्छे से कॉटन यूज करना है, कोई अलीबाबा जैसा कॉटन नहीं यूज करना है, कोई टी शर्ट वगैरह नहीं यूज करना है, कंपनी बहुत कंजूस रहती है, पता है, बहुत सारे आपको ऐसे चीज मिल जाएंगे, टी शर्ट पैंट चड्डी सब चीज आएगा वहां पे, ठीक है, तो ध्यान रखो, फिर आपको उसको क्लीन करना है, पेनेट्रन लगाया, पेनेट्रन ऐसे लगा दिया आपने, ये कलर से पेनेट्रन लगाया, फिर उसको क्लीनर से क्लीन किया, फिर आपको ये पेनेट्रन लगाने के बाद कुछ ये डेवलपर लगाया, डेवलपर लगाएंगे तो रेड कलर बाहर आएगा, फिर रेड कलर को, हाँ यहाँ पे कुछ ना कुछ, जहाँ पे भी रेड कलर बाहर आया वहाँ पे आपको बोलना है यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है, तो ये सब चीज है ना वो प्रिंसिपल के बाद, प्रिंसिपल की हम बात कर रहे हैं, तो प्रिंसिपल क्या है, कैपिलरी एक्शन, कौन सा एक्शन, और डेवलपर में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग कैपिलरी एक्शन, या तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं ब्लोटर इफेक्ट, ब्लोटिंग इफेक्ट यहां पे था ना आगे, ब्लोटर इफेक्ट, उसको ब्लोटर इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन कोड में स्ट्रॉन्ग कैपिलरी एक्शन ऐसा वर्ड यूज किया है, ठीक है, इसके लिए मैं आपको यहां पे वही वर्ड यूज कर रहा हूं, तो पेनेट्रन अप्लाई टू द सर्फेस ऑफ द एंटर द डिफेक्ट, उसके बाद दूसरा स्टेप एक्सेस पेनेट्रन रिमूव फ्रॉम द सरफेस, तो देखो यहां से सरफेस से एक्सेस पेनेट्रन रिमूव कर रहा है, देखा आपने, रिमूव करते करते यहां तक भाई सब पहुंचा है, अभी इतना भी रिमूव कर देगा, लेकिन ये नहीं रिमूव होगा, ठीक है, क्योंकि ये डिसकंटिन्यूटी के अंदर है, अभी क्या होगा, आपको डेवलपर अप्लाई करना के डेवलपर पाउडर अप्लाई ड्रोन पेनेट्रन आउट तो क्रैक, मतलब डेवलपर आपको अप्लाई करना है, क्या अप्लाई करना है, डेवलपर अप्लाई करना है, ये है
डेवलपर, तो डेवलपर आपने अभी तो यहाँ पे खाली मार के दिखाता हूँ कैसा है, वाइट कलर का होता है, देखो वाइट ही है ना, तो जस्ट आपको बोल रहा हूँ ठीक है, ये वाइट कलर का डेवलपर है, वाइट पाउडर भी होता है, वो वॉट एवर जो भी है आपका कैसा टाइप का डेवलपर है वो आपके ऊपर डिपेंड है, तो आपकी कंपनी के ऊपर डिपेंड है कौन सा यूज करना है वो डेवलपर पाउडर अप्लाई टू द ड्रॉन पेनेट्रेंट आउट टू द क्रैक। ये डेवलपर आपने अप्लाई कर दिया, फिर क्या होगा, वो भाई साहब डेवलपर है वो यहाँ से अंदर घुसेगा और ये रेड कलर को बाहर निकालेगा और इतने एरिया में रेड रेड दिख रहा है, देखा आपने। तो क्या समझना है, कुछ ना कुछ मटेरियल में डिसकंटिन्यूटी है, आपको वर्ड कौन सा यूज करना है, डिसकंटिन्यूटी ही, डिफेक्ट नहीं बोलना है ठीक है, डिफेक्ट नहीं बोलना है। जब तक वो कोड स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आप वैल्यू चेक कर लो मेजर टैप से और पता कर लो कि हाँ भाई ये कोड के हिसाब से कोड में तो 10 mm था, यहाँ पे मुझे 12 mm आ रहा है, ये तब डिफेक्ट बोलो आप, मतलब एक्सेप्ट है तो वो डिफेक्ट ही, डिफेक्ट नहीं बोलेंगे आप, एक्सेप्ट है तब आप डिसकंटिन्यूटी, छोटा डिसकंटिन्यूटी है लेकिन एक्सेप्ट है, डिसकंटिन्यूटी है लेकिन रिजेक्ट है, और वो एज पर कोड इसके लिए ये डिफेक्ट है, फिर डिफेक्ट का नाम बोलना स्टार्ट करो कि भाई हाँ लीनियर डिसकंटिन्यूटी है, राउंडेड डिसकंटिन्यूटी है, वो भी ठीक है, वो डिसकंटिन्यूटी का चैप्टर नंबर आएगा तो मैं आगे समझाएगा, लेकिन ये जस्ट आपको बोल रहा हूँ, तो ये समझ में आ गया आपको, आगे बढ़ते हैं। देखो तो इंश्योर द विजिबिलिटी, तो आंखों से दिखना चाहिए, इसके लिए भी आपको ध्यान रखना है, और ये दूसरा भी एक मेथड है, लिक्विड पेनेट्रेंट कंटेंट आइदर कलर डाई इजीली एंड वाइट लाइट एंड फ्लोरोसेंट डाई इन विजिबल अंडर द ब्लैक लाइट। तो आपको मैं बोला था ना ब्लैक लाइट में फ्लोरोसेंट डाई पेनेट्रेंट टेस्ट करने आपको साइट पे जाना है, मैं आपको बोला था ना, तो उसका ये दूसरा टाइप का है, कौन सा है, फ्लोरोसेंट। तो डाई पेनेट्रेंट टेस्ट है, खाली दिन में ही होता है ऐसा नहीं है, रातों में भी, ब्लैक लाइट में भी, जहां पे उत्तर ध्रुव है वहां पे डाई पेनेट्रेंट टेस्ट करना है, चलो वहां पे लाइट इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं है तब क्या करेंगे आप, नाइट में ही करना है, बहुत जॉब अर्जेंट है, दो दो तीन तीन करोड़ का लॉस हो जाएगा, एक दिन का पर डे का पेनल्टी है, शिप आके रुका हुआ है, तब आपको क्या डाई पेनेट्रेंट टेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो करना है, लेकिन ऐसी सिचुएशन जहां पे, और दूसरा ये भी है कि हाई सेंसिटिविटी चाहिए, वहां पे आपको फ्लोरोसेंट मेथड यूज करना पड़ेगा, फ्लोरोसेंट डाई पेनेट्रेंट टेस्ट, क्या बोलते हैं उसको, और वो कौन सा टाइम यूज होता है, ब्लैक लाइट या तो डार्क रूम, ठीक है, डार्क रूम में यूज होता है, जनरली हम देखते हैं ना वो छोटे बच्चे होते हैं ना वो घड़ी में ऐसा कुछ रेडियम जैसा रहते हैं, पता है ना, वो ऐसा दिखाता है, देखो मेरे पास ऐसा चमक रहा है ऐसा, और रात के अंधेरे में भी, आज तो नया फैशन आ गया, पैसे वाले लोग हो गए बहुत सारे लोग, तो अभी क्या करते हैं, सोते हैं तो छत पे वो स्टार वगैरह चिपकाते हैं, तो नाइट दिन में नहीं दिखेगा लेकिन लाइट बंद करेंगे ना तो स्टार वगैरह दिखेगा, पता है ना कि नहीं, पता है, वेरी गुड। तो ये सब चीज सिस्टम, वो कैसा विजिबिलिटी कैसा हो रहा है, नाइट में हो रहा है, तो ऐसा ही डाई आता है, क्या आता है, डाई आता है, और उसको फ्लोरोसेंट डाई विजिबल अंडर ब्लैक लाइट बोलेंगे, ब्लैक लाइट में वो काम होता है, तो उसका हम डिस्कस, पहले तो ये जो हमने किया अभी आपको मैंने दिखाया वो कलर डाई था, वो दिन में भी कर सकते हैं वो, लेकिन विजिबल डाई, और दूसरा है फ्लोरोसेंट डाई, ठीक है, तो दोनों यूज होता है, दोनों प्रैक्टिकल में आपको करवाएगा तो आपको आइडिया आ जाएगा। ओके, पहले तो क्या करना है, सबसे पहले पेनेट्रन अप्लाई टू द सरफेस, या तो आप डायरेक्ट स्प्रे से मारो या तो हैं या कपड़े के ऊपर मारो, क्या करने का आप, ये आपकी कंपनी के ऊपर डिपेंड है, डायरेक्ट आप स्प्रे से मटेरियल के ऊपर डालो, ठीक है, समझो ये मटेरियल फ्लेंज है, इसका मुझे करना है, तो डायरेक्ट आप मार सकते हो या तो फिर कपड़े के ऊपर लेके फिर कपड़ा उसके ऊपर पोछो, ऐसा भी कर सकते हो ना, तो ऐसा करके सबसे पहले क्या करना है, पेनेट्रन अप्लाई टू द सरफेस, सरफेस के ऊपर पेनेट्रन अप्लाई करना है। दूसरा स्टेप क्या है, टाइम अलाउ फॉर पेनेट्रन सीप इन टू द ओपनिंग, मतलब थोड़ा टाइम आपको रुकना है, थोड़ा टाइम आपको देना है उसको सूखने के लिए, और सूखने तो लेकिन अंदर तक जाने के लिए, डिसकंटिन्यूटी के अंदर तक घुसने के लिए, किसको घुसने के लिए, पेनेट्रेंट को, ठीक है, ओके, ये हो गया। इसके बाद सरफेस पेनेट्रेंट रिमूवल, क्यों, क्योंकि एक्सेस जो हो गया है उसको तो रिमूव करना पड़ेगा ना, तो एक्सेस पेनेट्रेंट है, अच्छे से कपड़े से आपको लिंट फ्री कॉटन होना चाहिए, कॉटन से आपको चड्डी वगैरह से नहीं करना है, कंपनियों में तो ये सब आता रहता है, और मैं आपको इसके लिए ये सब चीज डेप में समझा रहा हूँ क्योंकि बहुत अलीबाबा, आपको साइट पे जाओगे ना तो बहुत अलीबाबा मिलेगा काम करने वाला, लोग है ना आलसी भी होते हैं, तो वो भी है, खाली कलर लगा देंगे क्या करेंगे पता है,
ऐसा कपड़ा लेंगे उसके ऊपर थोड़ा पेनेट्रेंट लगाएंगे, ऐसा मार देंगे, फिर सीधा पोंछ देंगे, व्हाइट पाउडर लगा, साहब हो गया 2 मिनट में डाई पेनेट्रेंट टेस्ट। ऐसा नहीं चलेगा, आपको प्रॉपर वैसे करना पड़ेगा। आपका एक मिस्टेक इंडिया का नाम खराब कर सकता है। हमारा मूवमेंट तो यही है स्किल इंडिया का, और साला हम ही आपको गलत समझाएंगे तो प्रॉब्लम है ना। ऐसा नहीं कर सकते हम लोगों को प्रॉपर, आपको और आपको प्रॉपर करना ही है। भले ही आपको पता है, मैं आपको बोलता हूँ ना, आप भाई आपने कल एक क्वेश्चन पूछा था, आपने तो इतने साल हो गए तो यूटी में आपको इतना ही डिफेक्ट मिला है इतने बार, और तब तो हम यूटी में या आरटी में डीपी में तो हम लोगों को तो कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, आपको पता है एक्सेप्ट है, फिर भी प्रॉपर वे से डाई पेनेट्रेंट टेस्ट करना है, प्रॉपर वे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सरफेस पेनेट्रेंट रिमूवल, आपको ये जो कपड़ा दिखाया, देखा ना ये उंगली है उसका, ऐसा उंगली है उसका, ऐसा उंगली है, ठीक है, अंगूठा है, देखा ना ये कपड़ा है। मैं कोई पेंटर नहीं हूं लेकिन आप इतना समझ लो, ये कपड़ा है ऐसे पोछ रहा है, ठीक है, कपड़ा पोछा। उसके बाद डेवलपर अप्लाई टू ड्रॉन पेनेट्रेंट आउट द ओपनिंग, अभी डेवलपर अप्लाई करना पड़ेगा, जो भी पेनेट्रेंट अंदर घुसा हुआ है मटेरियल के अंदर उसको बाहर निकालने के लिए। जैसे ही आप डेवलपर ऐसे स्प्रे से अप्लाई करेंगे तो फिर आपको लाइट, इसको बोलते हैं विजिबल स्पेसिमेन विजुअली एग्जामाइंड, मतलब ये लाइटिंग सिस्टम है, तो ये लाइटिंग सिस्टम से आपको क्या करना है, चेक कर लेना है कि हाँ किधर ही रेड मिला, तो देखो यहाँ पे क्रैक था, इसके लिए यहाँ पे ये सब चीज़ जगह पे रेड मिला है। भले यहाँ पे रेड ब्लैक एंड व्हाइट में मैंने दिखाया है लेकिन आपको ऐसा समझना है यहाँ पे मिला होगा, तो वहाँ पे आपको ऐसे करके काम करना है। पहला क्या काम करना है, पेनेट्रेंट अप्लाई करना है, फिर थोड़ी देर रुकना है, फिर उसको पेनेट्रेंट को एक्सेस पेनेट्रेंट को रिमूव करना है, उसके बाद डेवलपर लगाना है, डेवलपर लगाने के बाद ऐसा विजिबल लाइट में आपको चेक कर लेना है लैंप से वगैरह, ठीक है, ओके। अभी पोस्ट क्लीनिंग, पोस्ट क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। पोस्ट क्लीनिंग मतलब फिर जैसा मटेरियल था पहले जैसा वैसा ही कर देना है, मतलब क्लीन तो करना पड़ेगा ना, ऐसे ही डेवलपर लगा के चले जाओगे तो चलेगा नहीं, नहीं चलेगा। तो पोस्ट क्लीनिंग है इंडिया में सब जगह पे क्या होता है, अलीबाबा चलता है साहब, वो आप कर लो ना, ग्राइंडर कर देगा, मुझे टाइम नहीं है, ऐसा कैसा वर्ड यूज करते हो, ग्राइंडर या फिटर जिसको काम करना है आगे वो कर देगा, मैं मेरे को बहुत लोड है, तो लोड है तो मेरे लिए लोड है, पोस्ट क्लीनिंग नहीं करना चाहिए, पोस्ट क्लीनिंग नहीं करोगे तो आप, आपकी देखो आप अपने हिसाब से आप जॉब करने जा रहे हो और आप उसमें ही लॉयल नहीं है, उसमें ही ऑनेस्ट नहीं है, तो आप अपने फैमिली का क्या अच्छा कर पाएंगे आप, समझे आप, मैं फैमिली को इसके लिए गुस्सा रहा हूं। अगर आप प्रोफेशनल काम नहीं कर रहे हैं तो फिर दूसरा तो काम कैसे आप कर पाएंगे। तो आपको अपने जॉब में लॉयल रहना, आपको अपने जॉब में ऑनेस्ट रहना है, पोस्ट क्लीनिंग करना ही है, मेरा काम है, भले ही मेरा काम हो गया है, कुछ डिसकंटिन्यूटी नहीं है उसको मैंने बोल दिया, लेकिन कम से कम क्लीनिंग तो करना है मटेरियल को कि नहीं करना है। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा वो आने वाले चैप्टरों में मैं समझाएगा, तो आपको डेप्थ में पता चलेगा क्या क्या प्रॉब्लम होने का चांसेस है, कितना रस्टिंग होने का चांसेस है, ठीक है, ओके। अभी डिसकंटिन्यूटी आर सब सरफेस ऑन वन स्टेज प्रोडक्शन कुड बी ओपन टू द सरफेस अनदर स्टेज एंड सच एज आफ्टर ग्राइंडिंग एंड मशीनिंग नॉन मेटालिक इंक्लूजन एंड पोरोसिटी इनगोट कोज द स्टिंजर, ये सब चीज का डिसकंटिन्यूटी है वो आने का चांस है। सबसे पहले मैं आपको ये बोलता हूँ, मटेरियल जब पैदा होता है, मटेरियल का सब बर्थ होता है, मटेरियल जब पैदा होता है बर्थ होता है, उस टाइम पे भी उसमें कोई डिसकंटिन्यूटी होगा कि नहीं होगा, होने का चांस है, डेफिनेटली होने का चांस है। समझो ये मेरा बेस मेटल है, क्या है बेस मेटल, ये क्या है बेस मेटल है, ठीक है, ये बेस मेटल है, उसमें भी डिसकंटिन्यूटी होने का चांसेस है कि नहीं है, ये तो अभी मटेरियल पैदा ही हुआ ऐसा ही समझो, क्योंकि इसमें हमने ना तो ग्राइंडिंग किया ना वेल्डिंग किया कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। मटेरियल जब पैदा होता है, मटेरियल का बर्थ होता है, तब उसमें डिसकंटिन्यूटी होने का चांस है। ऐसा भी हो सकता है कि यहां पे बीच में कोई डिसकंटिन्यूटी हो लेकिन ओपन टू द सरफेस नहीं है, बीच में हो, अंदर में हो लेकिन बाहर दिखता ना हो, इसके लिए पेनेट्रेंट टेस्ट में आपको ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आप ग्राइंडिंग करेंगे कुछ काम के लिए, उसका थिकनेस कम चाहिए था, जो भी है आप मशीनिंग करेंगे, ग्राइंडिंग करेंगे, वेल्डिंग करेंगे, तो शायद वो डिसकंटिन्यूटी ओपन टू द सरफेस हो जाए, शायद वो खुल जाए, ऐसा भी होने का चांस है ना, तो ये भी हो सकता है, ठीक है, ओके। मशीनिंग वेल्डिंग ग्राइंडिंग सब चीज कर दिया, उस टाइम पे भी डिसकंटिन्यूटी नहीं आया, लेकिन आप साइट पे वो मटेरियल को इम्प्लीमेंट किया, मतलब बन गया, पूरा मटेरियल बन गया है,
उसको फ्लैंज वगैरह सब फिटअप कर दिया, गास्केट पाइपिंग सब चीज का अरेंजमेंट हो गया है, पूरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है, रनिंग कंडीशन में अंदर फ्लूड आना स्टार्ट हो गया है। देखते हैं ना आप जब आपको ऑयल एंड गैस का ऐसा फोटो माइंड में करते हैं ना, तो कुछ बहुत सारे पाइपिंग ऐसे कुछ दिखते हैं, याद है ना, तो वैसा प्लांट स्टार्ट हो गया समझो आप, तो क्या होगा, इरोइड कोरोइड स्टार्ट होगा, अंदर से मटेरियल अंदर से जाएगा, बार बार जाएगा, तो प्रॉब्लम तो होगा ना, वो भी बुढ़ा होगा ना, हम भी बुढ़े होते हैं ना, खाना खाते है, खाते है, खाते है, खाते है, हमारा भी 80 साल 100 साल के बाद हम भी एक्सपायर हो जाते हैं ना कि नहीं होते है? वैसा मटेरियल का भी होता है ना, मटेरियल भी ऐसे बुढ़े हो जाएंगे, बुढ़े तो नहीं बोलेंगे लेकिन इरोइड कोरोइड वगैरह सब हो जाएगा, ठीक है, तो वो चीज़ है, उस टाइम पे भी डिसकंटिन्यूटी आने का चांस है, पहले से तो दवा हुआ था पता नहीं चला था, बाद में वो पता चला वो इरोइड कोरोइड में, ये भी होने का चांस है। तो ऐसे तीन टाइप की डिसकंटिन्यूटी को डिवाइड किया गया है। सबसे पहला मटेरियल का जन्म होता है तब हो इनहरेंट डिसकंटिन्यूटी, कौन सा डिसकंटिन्यूटी, इनहरेंट डिसकंटिन्यूटी, मटेरियल पैदा तो हो गया फिर उसको हमारे हिसाब से कुछ रिक्वायरमेंट है, उसको हमारे हिसाब से उसको काम करवाएंगे, ग्राइंडिंग वेल्डिंग जो भी है, फिटअप बिटअप जो भी करेंगे आप, उस टाइम पे डिसकंटिन्यूटी आता है, उसको बोलते हैं प्रोसेस डिसकंटिन्यूटी की सर्विस डिसकंटिन्यूटी, उसको सर्विस डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे, और लास्ट में वो मटेरियल प्रोसेस में जाएगा, ठीक है, सर्विस में जाएगा तब सर्विस डिसकंटिन्यूटी, और बीच में ग्राइंडिंग वेल्डिंग ये सब चीज किया है तो प्रोसेस डिसकंटिन्यूटी। तो तीन टाइप के, पहला है इनहरेंट, मटेरियल जन्म हुआ तब इनहरेंट, फिर प्रोसेस, फिर सर्विस, ऐसे तीन टाइप की डिसकंटिन्यूटी होती है, ठीक है, तो ये सब चीज आपको समझना है। कोई भी मटेरियल जब पैदा होता है तब खाली ऐसा सीधा पाइप हमको मिल जाता है क्या? सीधा पाइप नहीं मिलता है, इसको ढालना पड़ता है अपने हिसाब से। आपको अगर ऐसा सीधा पाइप दे देंगे तो मटेरियल को जो मैन्युफैक्चरर है उसको तो बहुत कॉस्ट पड़ जाएगा। पहले इनगोट बनता है, क्या बनता है? इनगोट बनता है, मतलब बहुत बड़ा फोर्ज जैसा रहेगा, ठीक है, उसमें से छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, ये भी छोटा टुकड़ा, ये भी छोटा टुकड़ा, ठीक है, ये देखो ब्लूम्स, इनगोट ब्लूम्स, बिलेट्स, ये ब्लूम्स, दूसरा बिलेट्स एंड तीसरा स्लेब, इनगोट में से ही ये तीनों निकलते हैं। क्या निकलते हैं? देखो मैं आपको समझाता हूं, ये इनगोट है, ठीक है, ये इनगोट है, क्या है ये इनगोट, मतलब बीबा छाछा क्या बोलते हैं आप लोग, उसमें मटेरियल डालते हैं ना जब एकदम लावा लावा टाइप का रहता है, फिर इसको ऐसे नीचे डालते हैं, रोलिंग मिल में आपने देखा होगा, इसको इनगोट बोलते हैं। इसमें से ब्लूम्स बनते हैं वन नंबर, उसमें बिलेट्स भी बनते हैं, और तीसरा है स्लैब्स, तो ऐसा होता है, ठीक है, पहले पूरा बड़ा मटेरियल होता है, उसमें से जैसा चाहिए वैसा आपको काट काट के रहना है। घर में भी हम आइसक्रीम लाते हैं तो इतना बड़ा पैक लाते हैं ना, फिर उसको छोटा छोटा काट के, जो छोटा बच्चा है तो उसका और छोटा काटेंगे, बड़ा है तो उसका बड़ा, इसके हिसाब से फिर बराबर बांटना है, तो सबको अच्छा अच्छा काटेंगे, जैसा चाहिए वैसा उसको काटना है, सिंपल सी बात है। तो ब्लूम्स बिलेट्स एंड स्लैब में बनाएंगे। अगर ब्लूम्स में बात करें तो इसमें से एल बी आई बीम है, टी सेक्शन है, चैनल बीम है, ऐसा हम बना सकते हैं, ठीक है, छोटा छोटा चैनल देखा होगा ना आपने, ऐसा करके चैनल आता है, आता ही नहीं आता है, यहाँ पे भी चैनल है, हाँ वो भी चैनल बोल सकते हैं, लेकिन है सब मटेरियल ही, देखा जाए तो इंडस्ट्री में हैवी थोड़ा काम है तो हैवी चैनल होगा, ऐसा आप समझो। चैनल आई बीम भी होता है, या टी सेक्शन होता है, या चैनल बीम होता है, ऐसा सी टाइप का ऐसा भी होता है, तो ऐसा भी बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन, रोड बनाना है तो यहाँ पे हमारा ये रोड है, ये रोड को कैसे बनाएंगे, उसको खींच के तो बनाएंगे, ये रोड ऐसे ही बन गया क्या, ये कहाँ से पहले तो आया होगा, इनगोट से, इनगोट्स में ब्लूम्स बना होगा, ब्लूम्स में बिलेट्स बना होगा, बिलेट्स के बाद यहाँ पे रोड बना होगा, राइट, ऐसा रोड बना होगा, वायर वेल्डिंग वायर, ऐसा समझे आप। तो जो भी मटेरियल, कहने का मतलब ये है कि या इसमें भी डिसकंटिन्यूटी आने का चांसेस है, ये बनाया तब, इसके बाद ये बनाया तब भी डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि इसका हमने कटिंग किया ना, इसका हमने कटिंग किया गैस कटर से, तो शायद उसमें डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे था और ओपन हो गया, तो ऐसा भी हो सकता है। इसके बाद बिलेट्स बनाया तो भी हो सकता है। इसके बाद एक खींचते हैं, अभी मैं खींचा हुआ दिखाता हूँ आपको, ठीक है, ये देखो ये मटेरियल ऐसा है, ठीक है, ये टेंसाइल का टेस्ट पीस है, मैं ऐसे ही रखा है। अभी देखो मैं आपको ये बोलूँ, इसको हम खींचते हैं तो बीच में से ऐसा
यहाँ से ऐसे खींचा जाएगा, इस साइड से ऐसा, इस साइड से ऐसा, इसके लिए तो ये बीच में से टूट गया है। तो भले ही टूटा ना, लेकिन क्रैक शायद बन गया हो, ऐसा भी हो सकता है। अभी अभी नहीं टूटा है ऐसा ही समझो, लेकिन यहाँ पे शायद क्रैक बन गया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो उस टाइम पे भी डिसकंटिन्यूटी तो आता ही है। तो हमारा काम क्या है, मटेरियल को बिना तोड़े डिसकंटिन्यूटी को चेक करना है, हमारा काम तो यही है। इसके लिए तो हमको 40,000 रुपया दे रहा है गल्फ कंट्री वाला डीपीटी खाली करने का, ऐसा ही आपको 40,000 दे देगा, चलो भाई आ जाओ और 40,000 ले लो, तुम खाली बैठो और जाओ, ऐसा होगा? आपको माइंड चलाना है वहां पे, कब कब डिसकंटिन्यूटी आने का चांस है, क्यों आने का चांस है, ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। भले ही एक चैप्टर इसका पूरा डेप्थ में है तो मैं उस टाइम पे करवाएगा, अभी इसमें ज्यादा डेप्थ में नहीं पड़ते हैं, ठीक है। इसमें से कॉर्नर सेक्शन भी बनते हैं रेल के, और स्पेशल रोलिंग पार्ट्स भी बनते हैं, और ये स्लैब में से प्लेट बनते हैं। तो ये प्लेट जो है ना, ये प्लेट वो उसमें से बना होगा, फिर हमने ये दो प्लेट है उसको फिर वेल्ड किया होगा, तो ये किस में से बना होगा, शायद स्लैब से बना होगा। समझे बात कि नहीं समझे? सिंपल सा है ना, यहाँ कोई रॉकेट नहीं है भाई, ये कैसे बनता है वही मैंने समझाया है, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वो आपने ट्रक में देखा होगा, वो पूरा राउंड राउंड में ऐसा कॉइल रहता है, पता है ना, आप जब हाईवे में किधर भी जाते हैं तो ट्रक में ऐसा कॉइल टाइप का, ऐसा फिंडल जैसा कुछ रहेगा, कॉइलिंग सिस्टम, राइट? आपने देखा है कि नहीं देखा? लंबा ट्रक होगा पीछे से, तो वो क्या है, वो ऐसा हो सकता है, कॉइल हो सकता है, वो भी एक प्लेट ही है, पूरा बहुत सारा प्लेट को ऐसा राउंड राउंड में पतला था, इसके लिए ऐसा घुमाया रहता है ट्रक के अंदर, देखा है? जब आप हाईवे में रहते हैं, हाईवे में बहुत सारे ट्रक्स जाते रहते हैं, और पीछे उसमें ऐसा राउंड टाइप का ऐसा कॉइल रहता है। अभी यहाँ पे तो अच्छा सा दिखाया है, आप खाली देख लो, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, लेकिन बनता किस में से है? स्लैब से। स्लैब कहाँ से बनता है? इनगोट से। तो ये पत्ता आपको होना चाहिए। क्या मतलब आप क्या बोल रहे हैं? मतलब मीटर बड़ा हो तो इसका डिस्कंटिन्यूटी चेक करने के लिए उसको पेनेट्रेट मार पूरा मार जाएगा, जहाँ पे रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मारा जाएगा। लॉन्ग सिम बड़ा है तो समझो 10 मीटर का लॉन्ग सिम है, तो अगर आपको बोला गया कि डाई पेनेट्रेंट टेस्ट करो ये, तो अब तो पूरा आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब लगाएंगे तो आपको पता चलेगा। भले ही 10 मीटर है, 15 मीटर है, 20 मीटर है, उससे आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको टाइम लगेगा, हाँ टाइम लगेगा आपको, लेकिन आपको करना पड़ेगा अगर आपको बोला गया है तो, ठीक। यस, वो तो दो तीन से क्या, बहुत सारा पेनेट्रेंट लगेगा और क्लीनर भी ज्यादा लगेगा, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। वेल्डिंग रोल है, फॉइल है, शीट मेटल इंडस्ट्री में जब जाओगे तब ये सब चीज बनता है। तो ये सब चीज बनता कहाँ से? यहाँ पे भी डिसकंटिन्यूटी आने का चांस है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, सब जगह पे डिसकंटिन्यूटी आने का तो कभी भी चांस है, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, हॉट रोलिंग दिखाया है, स्लेब दिखाया है, बिलेट्स दिखाया है, ब्लूम्स दिखाया है, इसको यहाँ पे रोल करते करते, यहाँ पे रोलर है। या रोलिंग इंडस्ट्री में कभी गए हैं? रोलिंग इंडस्ट्री में, जब रोलिंग इंडस्ट्री में आप जाओगे तब आपको बहुत अच्छा सा सीखने को मिला। कल आप शायद जाएंगे, राइट? वापी जाने वाले हैं ना, तो आप आज, हाँ आज तो कैंसिल हुआ, कल जाएंगे तो आपको इसका आइडिया रहेगा। वहाँ पे रोलिंग मिल है तो आपको पता चलेगा कि ये क्या है, ठीक है। हॉट रोलिंग, कोल्ड रोलिंग, यहाँ पे बहुत सारे सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। हाँ, हॉट रोलिंग मतलब थोड़ा गर्म किया जाता है फिर रोल किया जाता है, कोल्ड रोलिंग में ऐसे जनरली सीधा रोल किया जाता है ऐसा। ओके अभी हमारा टॉपिक वो नहीं था, हमारा टॉपिक डीपीटी था, तो अभी हम वापस डीपीटी पे आ जाते हैं। एनीथिंग दैट कुड बी ब्लैक पेनेट्रेंट, एनीथिंग दैट कुड ब्लॉक द पेनेट्रेंट फ्रॉम एंटायर डिस्कंटिन्यूटी मस्ट बी रिमूव्ड। ओके अभी कभी कभी क्या होता है, इसमें इतना मिट्टी जम जाता है, इतना मिट्टी जम जाता है कि आपका मिट्टी जो है वो डिसकंटिन्यूटी के अंदर ऊपर ऐसा लेप हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है ना। तो आपको मस्ट बी रिमूव, क्या लिखा है? मस्ट वर्ड आया तो क्या वर्ड समझना है? शेल वर्ड आया तो, शेल भी आया तो, मे भी आया तो, वेरी गुड, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मे भी आया, मे आया, या शुड आया, शुड भी आया, तो इसका मतलब आपको मर्जी, वो तो खाली सजेस्ट करता है। बाकी यहाँ पे मस्ट वर्ड आया, मस्ट बी रिमूव्ड, मतलब कोई भी एनीथिंग ब्लॉक जो आपके डिसकंटिन्यूटी को ब्लॉक करेगा उसको आपको रिमूव करना ही है। इसके लिए तो उसको क्लीनर से हम क्लीन करते हैं, किससे क्लीन करते हैं? क्लीनर से क्लीन करते हैं। उसका रीजन क्या है? वैसे मेरे पास बहुत सारे क्लीनर हैं, तो ऐसा नहीं। तो अभी
लिस्ट ऑफ कंटामिनेशन दैट मस्ट बी रिमूव्ड विल बी इंक्लूड डर्ट ग्रीस रस्ट स्केल एसिड एंड इवन वाटर. तो आपको सब चीज को रिमूव करना है. किसको रिमूव करना है? डर्ट को. किसको रिमूव करना है? ग्रीस को, रस्ट, स्केल, एसिड, इवन पानी भी है तो उसको भी पहले क्लीन करना पड़ेगा. इसका मतलब ये हुआ डाई पेनेट्रेंट टेस्ट स्टार्ट करने से पहले आपको ये सब चीज को पूरा का पूरा रिमूव करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा. राइट, ओके. द क्लीनिंग सॉल्वेंट यूज मस्ट बी वॉलेटाइल, रेडिली वेपराइज टू दैट इजिली इवोपरेट आउट ऑफ द डिसकंटिन्यूटी एंड डज नॉट डिल्यूट द पेनेट्रेंट. तो ये जो क्लीनर है ना उसका ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये वेपराइज होगा, मतलब जैसे ही डाला थोड़ी देर में उड़ जाएगा, ठंडा भी लगेगा. आप हाथ में लगाएंगे ना तो शायद ठंडा भी लगेगा, क्लीनर ही है ना. देखते हैं, देखो ये क्लीन, अभी थोड़ी देर में ये उड़ जाएगा. हाथ में ऐसा लगाने का नहीं, ठीक है. ये आम फूल है, ये प्रॉब्लम कर सकता है आपको. अगर खुजली होता है ना किसी को, किसी को होता है ना इटिंग जैसा, ऐसा खुजली होता है तो उसको प्रॉब्लम हो सकता है. इसके लिए आपको ऐसा ट्राई नहीं करने का, ठीक है. ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं. सरफेस पेनेट्रेशन बाय शॉर्ट एंड सैंड ब्लास्टिंग नॉट रिकमेंडेशन. मतलब सरफेस पेंटिंग ब्लास्टिंग बिगेस्ट नेस, आपको समझा है ना. ऑलरेडी मैंने एक चैप्टर पूरा समझाया था, है ना. जब आप कोई काम करने जा रहे हैं पेनेट्रेंट टेस्ट का, तो ब्लास्टिंग से क्लीनिंग नहीं करना है, याद रखो. ब्लास्टिंग में क्या होता है, प्रेशराइज्ड एयर रहता है उसमें, या तो सैंड या जो भी रहता है मटेरियल के ऊपर ऐसे मारा जाता है बहुत स्पीड से, 7 kg/cm² ऐसा प्रेशर रहता है उसका. वो प्रेशर से एयर प्लस ये ऐसे ग्रिट्स वगैरह रहता है या तो सैंड वगैरह रहता है, वो मटेरियल के ऊपर मारा जाता है, मटेरियल को एकदम वाइट जैसा कर देगा. उसमें भी बहुत सारे टाइप्स है, 2.5, 1.5 ऐसा, मतलब ये ब्लास्टिंग का एक सिस्टम है, ठीक है. ब्लास्टिंग करेंगे उसके बाद में ही पेंट कर सकते हैं, ऐसा रूल्स होता है, ठीक है. किधर किधर ऐसा है, बाकी नहीं हो तो बात अलग है, ठीक है. तो वैसे ब्लास्टिंग से आपको मटेरियल को क्लीन नहीं करना है. ये जो मेथड है वो सॉल्वेंट रिमूवेबल मेथड है. क्लीनर से हम क्लीन करते हैं, सॉल्वेंट रिमूवेबल मतलब क्लीनर से हम क्लीन करते हैं, इसके लिए उसको सॉल्वेंट रिमूवेबल मेथड बोला जाता है, ठीक है. तो सरफेस प्रिपरेशन बाय शॉर्ट और सैंड ब्लास्टिंग इज नॉट रिकमेंडेशन. ये कंपल्सरी मैंने रेड वर्ड लिखा है, इसका मतलब ये एग्जाम में आएगा, आप लिख लो, ठीक है. ओके, डिसकंटिन्यूटी दैट वेर ओपन टू द सरफेस मे बी क्लोज्ड बाय द शॉर्ट्स और सैंड ब्लास्टिंग. आपको डिसकंटिन्यूटी जो है वो क्लोज हो जाएगा शॉर्ट ब्लास्टिंग से, या तो आप सैंड ब्लास्टिंग करेंगे उससे वो क्लोज हो जाएगा. ओपन टू द सरफेस डिसकंटिन्यूटी था, वो सैंड ब्लास्टिंग करेंगे तो क्लोज हो जाएगा, तो प्रॉब्लम हो सकता है. इसके लिए देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ओपन टू द सरफेस डिसकंटिन्यूटी है, राइट. ये सरफेस के ऊपर ओपन है, इसमें आपने सैंड ब्लास्टिंग किया तो क्या हो गया, ऐसा करके हो गया, देखा आपने. मतलब यहाँ पे देखो ये डिसकंटिन्यूटी ऐसा, ये अभी अंदर चला गया. अभी इसमें पेनेट्रेंट टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा इसमें, क्यों नहीं जाएगा, क्यों. ओपन टू द सरफेस है, वहां पे ही पेनेट्रेंट काम कर सकता है. अभी आपने क्या किया, सैंड ब्लास्टिंग या शॉर्ट ब्लास्टिंग किया तो ये क्लोज हो चुका है, तो उसी की वजह से आपको ये नहीं मिलेगा. इसके लिए क्रॉस सेक्शन आफ्टर सैंड ब्लास्टिंग लिखा है, सैंड ब्लास्टिंग के और बिफोर सैंड ब्लास्टिंग, पहले ऐसा था और बाद में ऐसा हो गया, तो इससे आप क्लीन कर सकते हैं, ये मेथड क्लीनिंग में यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं. इसके लिए मैंने रेड लिखा है कि सरफेस प्रिपरेशन बाय शॉर्ट एंड सैंड ब्लास्टिंग नॉट रिकमेंडेशन, मतलब करना नहीं है, आपको ध्यान रखो वो नहीं करना है, ठीक है. आगे बढ़ते हैं हिस्ट्रिकली. पहले तो हिस्ट्री की बात करते हैं. पुराने 40 साल पहले ये पेनेट्रेंट टेस्ट जब आया तब मार्केट में घुसा, तब केरोसिन वगैरह सब टेस्ट यूज किए जाते थे. कली चूना होता था, वो चूने को कैल्शियम क्लोराइड बोलते हैं ना, वो व्हाइट कलर का पाउडर हम धूप ना लगे इसके लिए छत पे लगा देते हैं, पता है ना आपको, लगाते हैं कि नहीं लगाते है? तो वैसे कले छूने को ऐसा पानी में मिक्स करके ऊपर लगाते हैं वैसा, उसके बाद दूसरी साइड से मटेरियल के अंदर जहाँ लॉन्ग सिम सक्सिम है वहाँ पे चेक करने के लिए फिर हम लोग केरोसिन टेस्ट करते हैं, दूसरी साइड से केरोसिन मारते हैं. तो उस टाइम पे ऐसा था, फिर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आया और आपके हाथ में अभी ये है, ये सब चीज़ें, ठीक है. पेनेट्रेंट ऐसा स्कैन में, पहले तो कैन में भी नहीं आता था, ठीक है. तो ये 40 साल पुरानी बात है,
पास्ट 40 ईयर पहले का है, ये ऑयल एंड वाइट मेथड का यूज होता था उस टाइम पे, लेकिन अभी थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें हिस्ट्री में अभी हमको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। लिक्विड पेनेट्रेंट यूज इन नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग कैन बी कैटेगराइज बाय द टाइप्स ऑफ डाई। देखो डाई कितने टाइप के है, डाई मतलब ये पेनेट्रेंट, पेनेट्रेंट का कलर जो है ये रेड कलर का है, ठीक है, अभी तो रेड कलर का है, लेकिन उसकी डाई कितने टाइप की है, तो उसके हिसाब से डाई पेनेट्रेंट टेस्ट के अलग अलग मेथड मतलब टाइप्स है, ठीक है। तो देयर कंटेन विजिबल डाई पेनेट्रेंट, विजिबल मतलब आंखों से दिखता है, ये दिखता है आपको, ये कपड़े में डाला तो आपको दिखेगा ना, ये दिखता है, इसके लिए उसको विजिबल बोलते हैं, विजिबल मतलब दिखना। फ्लोरोसेंट पेनेट्रेंट, फ्लोरोसेंट पेनेट्रेंट मतलब आपको दिन में नहीं दिखेगा, यही फ्लोरोसेंट है, दूसरा एक फ्लोरोसेंट मेरे पास पड़ा है, उसको मैं अगर इस ये कपड़े में लगाएगा तो ये दिन में दिखेगा आपको, नहीं दिखेगा, वो रात में ही आप लाइट बंद करोगे तो तुरंत दिखेगा, लेकिन लाइट बंद करोगे तो फिर कैमरा भी बंद होगा, लोचा है, ठीक है। इसके लिए अभी नहीं करते हैं, लेकिन रात में ही दिखेगा, वो दिन में नहीं दिखेगा। तो पहला कौन सा है, विजिबल डाई, दूसरा कौन सा है, फ्लोरोसेंट डाई, तीसरा कौन सा है, दोनों का कॉम्बो, समझे। संजय दत्त का एक फिल्म है ना, हीरो प्लस विलन, ऐसा एक फिल्म है ना, वैसा दोनों का कॉम्बो, हीरो प्लस विलन दोनों का कॉम्बो, मतलब ये विजिबल डाई भी है, फ्लोरोसेंट डाई भी है, तो ऐसा है उसको ड्यूल सेंसिटिव पेनेट्रेंट कंटेंट कॉम्बिनेशन ऑफ विजिबल एंड फ्लोरोसेंट डाई, दोनों का कॉम्बो है, ठीक है, ओके। ऐसे आपने डाई का विजिबिलिटी के हिसाब से उसका पार्ट किया, आपने तीन पार्ट है, कितने पार्ट है, तीन पार्ट, एक विजिबल, फ्लोरोसेंट और ड्यूल सेंसिटिव, ड्यूल सेंसिटिव मतलब दोनों का कॉम्बो, ठीक है। अभी दूसरा, पेनेट्रेंट कैन फर्दर कैटेगराइज प्रोसेस यूज्ड टू रिमूव द एक्सेस पेनेट्रेंट फ्रॉम द स्पेसिमेन। अभी एक्सेस पेनेट्रेंट हम रिमूव करते हैं ना, पेनेट्रेंट हम लगाते हैं, पेनेट्रेंट लगाने के बाद एक्सेस पेनेट्रेंट थोड़ी टाइम रुकते हैं, फिर वो पेनेट्रेंट को रिमूव करते हैं, तो वो जो रिमूव करते हैं, भाई यहाँ पे जान दो, जब हम पेनेट्रेंट रिमूव करते हैं तो वो रिमूव करने के टाइम पे कितना टाइप का रिमूवल, मतलब पानी से भी रिमूव कर सकते हैं ना पेनेट्रेंट को, तो इसके लिए उसके हिसाब से भी उसके तीन पार्ट किए गए। पहला है वाटर वॉशेबल पेनेट्रेंट, वाटर वॉशेबल मतलब पेनेट्रेंट मतलब ऐसा पेनेट्रेंट जो पानी उसके अंदर ऊपर डालेंगे तो वो पानी से भी एक्सेस पेनेट्रेंट रिमूव हो जाएगा, पहला पेनेट्रेंट। मतलब आप जो क्लीनर का क्या मेथड बोलते हैं, ये क्लीनर का मेथड है ना, ये क्लीनर से क्लीन करते हैं, वो दूसरा है, तीसरा है सॉल्वेंट रिमूवेबल पेनेट्रेंट, वो ये पाई टाइप है। तो हम लोग को जनरली कौन सा है, इंडिया में यूज करते हैं, गल्फ कंट्री में यूज करते हैं, ये सॉल्वेंट रिमूवेबल पेनेट्रेंट, मतलब वो पेनेट्रेंट ये सॉल्वेंट रिमूवल से भी रिमूव हो जाएगा। कुछ पेनेट्रेंट ऐसे आते हैं कि वो पानी से भी रिमूव हो जाएंगे, कुछ पेनेट्रेंट ऐसे आते हैं पोस्ट इमल्सिफिकेशन पेनेट्रेंट, ना तो वो पानी से भी रिमूव होगा ना तो वो क्लीनर से भी रिमूव होगा, उसको पहले इमल्सिफायर एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा ऐसा कैन आएगा, कुछ नया ही कैन आएगा, उसमें इमल्सिफायर पहले क्या करना पड़ेगा, पेनेट्रेंट रिमूव करने का पहले क्या करना है हमको, पहले पेनेट्रेंट अप्लाई करना है मटेरियल के ऊपर, फिर कुछ टाइम रुकना है, उसके बाद पेनेट्रेंट को रिमूव करना है। वो तीन टाइप है रिमूव करने का, पानी से भी रिमूव कर सकते हैं, इमल्सिफिकेशन मतलब एक्स्ट्रा एक इमल्सिफिकेशन ऐड करके भी कर सकते हैं अगर वो पेनेट्रेंट वैसा है, तो वो तीसरा है सॉल्वेंट रिमूवेबल। तो वैसे पेनेट्रेंट के टाइप है, तो अभी ये जो पेनेट्रेंट है मेरे पास, ये जो पेनेट्रेंट कहाँ गया भाई, ये पेनेट्रेंट है वो है मेरे पास सॉल्वेंट रिमूवेबल पेनेट्रेंट, इसका कैरेक्टरिस्टिक ऐसा होगा वो क्लीनर से भी रिमूव हो जाएगा, समझे आप, ये पेनेट्रेंट ऐसा है कि वो क्लीनर से रिमूव हो जाएगा, वाटर वॉशेबल तो ठीक है कर सकते, लेकिन दूसरा पेनेट्रेंट ऐसा आएगा जो वाटर वॉशेबल से भी रिमूव हो जाएगा, पानी से भी रिमूव हो जाएगा, वैसा भी पेनेट्रेंट हो सकता है ना, और ऐसा भी पेनेट्रेंट हो सकता है कि वो पानी से भी नहीं रिमूव होगा, पहले तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इमल्सिफायर ऐड करना पड़ेगा, एक अलग से दूसरा केमिकल ऐड करना पड़ेगा, कुछ टाइम रुकना पड़ेगा, फिर वो शायद पानी से या क्लीनर से रिमूव हो जाए, पहले डायरेक्टली तो होगा नहीं, इसके लिए इसके तीन टाइप पड़े, समझे आप, ओके। पहला हमने यहाँ पे विजिबिलिटी के हिसाब से तीन टाइप किए, विजुअल, विजिबल डाई पेनेट्रेंट, फ्लोरोसेंट पेनेट्रेंट एंड ड्यूल सेंसिटिव, ऐसे तीन टाइप किए, ठीक है। विजिबल में ये आंखों से दिखता है वो, और
फ्लोरोसेंट में, फ्लोरोसेंट पेनेट्रेंट में ऐसा पेनेट्रेंट जो आपको ये सब दिखेगा नहीं, रात रात में दिखेगा, लाइट बंद करेंगे तो दिखेगा, वैसा पेनेट्रेंट आता है, वैसा पेनेट्रेंट आता है, ठीक है। दूसरा है, तीसरा है ड्यूल सेंसिटिव, दोनों का कॉम्बो, ठीक है, ये हो गया। अभी पेनेट्रेंट ऐसे तीन टाइप के होते हैं, ओके। कुछ लोग उसको अलग से भी डिवाइड करते हैं, कुछ लोग हैं उसको क्लीनिंग मेथड कैसा है उसके हिसाब से भी, क्लीनिंग हो जाता है कि नहीं हो जाता उसके हिसाब से। वाटर वॉशेबल पेनेट्रेंट मतलब ऐसा पेनेट्रेंट जो पानी से भी रिमूव हो जाए, ऐसा पेनेट्रेंट जो इमल्सिफायर से रिमूव हो जाए उसको पोस्ट इमल्सिफिकेशन पेनेट्रेंट बोलते हैं, फिकेशन नहीं है, फिकेशन है। सॉल्वेंट रिमूवेबल पेनेट्रेंट मतलब वो ये जो हमारा सॉल्वेंट मेथड है उससे भी क्लीन हो जाए उसको सॉल्वेंट क्लीनर बोलते हैं, ठीक है, ओके। यहाँ पे लिखा पोस्ट इमल्सिफायर रिक्वायर्ड द सेपरेट इमल्सिफायर मेक द पेनेट्रेंट वाटर वॉशेबल, सेपरेटली आपको चाहिए ऐसा, और मस्ट बी रिमूव्ड बाय सॉल्वेंट एंड टिपिकली यूज इन विजिबल डाय प्रेशराइज कैन। ये जो प्रेशराइज कैन, ये सब कैन है ना, वो प्रेशराइज कैन है, ठीक है, प्रेशर है ना इसमें, ओके। तो फ्लो चार्ट इज शोन बिलो ब्ला ब्ला ब्ला, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ फ्लो चार्ट, एक वाटर वॉशेबल पेनेट्रेंट, एक पोस्ट इमल्सिफिकेशन पेनेट्रेंट एंड सॉल्वेंट रिमूवेबल पेनेट्रेंट, कैसे काम करना है वो। सबसे पहला तीनों में क्या है, कोई भी आप मेथड फॉलो करो, चलो आप, आपको मैं सॉल्वेंट रिमूवेबल का मेथड बोलता हूं, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जोर से बोलने का, प्री क्लीनिंग। दूसरा क्या करना है, अप्लाई पेनेट्रेंट मतलब पेनेट्रेंट को मटेरियल के अंदर लगाना है, फिर क्या करना है, थोड़ा टाइम रुकना है यहाँ पे, ड्वेल टाइम, उसको थोड़े टाइम रुकना है, क्यों रुकना है हमको, मटेरियल को अंदर तक चला जाए उसके लिए, डिसकंटिन्यूटी के अंदर, उसके बाद फिर क्या करना है, क्लीन करना है, फिर एक्सेस पेनेट्रन है उसको क्लीन करना है, ठीक है, उसको हाँ कपड़े से अच्छे से, अच्छा कपड़ा, चड्डी वगैरह नहीं यूज करने का, कंपनी में तो चड्डी ही होता है, ठीक है, ओके। दूसरा सॉल्वेंट वाइप कर दिया, फिर आपको अप्लाई डेवलपर करना है, लेकिन डेवलपर के कितने टाइप है, बहुत सारे टाइप है, लेकिन मैं आपको कुछ टाइप बोलता हूँ। अप्लाई ड्राई पाउडर डेवलपर, ड्राई मतलब ये प्रेशराइज कैन में नहीं होगा, ड्राई मतलब एक टंकी में भरा होगा, उसमें बहुत सारा पाउडर ही होगा, ना तो पानी कुछ नहीं होगा, और टेलकम पाउडर हम क्या करते हैं, ऐसे लगाने के लिए यूज करते हैं ना, वैसा ही, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, वो डेवलपर होगा, वाइट डेवलपर होगा, ठीक है, उसको मटेरियल को समझो ऐसा, हमने पेनेट्रेंट क्लीन कर दिया, फिर ऐसे ऐसे डुबाना है, या तो फिर ऐसा है तो उसके ऊपर ऐसा छटकाव करना है, ठीक है, तो वैसे पेनेट्रेंट को बोलते हैं ड्राई पाउडर डेवलपर, ऐसा भी आप यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अप्लाई नॉन एक्वास वेट डेवलपर, तो ये क्या है, नॉन एक्वास लिखा है ना, नॉन एक्वास डेवलपर लिखा है कि नहीं लिखा है भाई, थोड़ा पीछे से घुमाओ सभी लाइन, ये भी डेवलपर है, ठीक है, आप ये टीम को घुमाओ, हाथ पे नहीं मारने का वरना खुजली होगा, हाँ आपको नहीं होगा तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखो भाई, अगर हो गया चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, सबसे पहले आपने ये किया, ये किया, इसके बाद यहाँ पे किया, दोनों में से कोई एक यूज किया आपने, समझो नॉन एक्वास अभी यूज किया, उसके बाद क्या करना है, इंस्पेक्शन करना है कि भाई क्या कांड है मटेरियल में, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे रेड कलर दिख रहा है, ये सब चीज इंडिकेशन आपको चेक करना है, डिसकंटिन्यूटी चेक करना है। लास्ट टॉपिक क्या है, पोस्ट क्लीनिंग, जो हमारे यहाँ पे क्या होता है, छोड़ दो चलता है, ऐसा नहीं करने का, ठीक है, भले ही वो लोग चलाएंगे लेकिन आप लोग यहाँ से सीख के गए हैं, आपको पता होना चाहिए, लोगों को पता चल जाना चाहिए कि ये यहाँ से ही सीख के गया है, वेल्डिंग एंड एनडीटी सर्विस से सीख के गया है, हम लोग बराबर काम करेंगे। लॉयल रहो अपने जॉब के ऊपर, लॉयल रहो अपने जॉब के ऊपर, हॉनेस्ट रहो, ये काम करो ही करो, आप किधर भी जाओ पोस्ट क्लीनिंग करना ही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक मेथड के बारे में, ठीक है। अभी पोस्ट इमल्सिफिकेशन में कुछ नया कोई नहीं है, नया कोई रॉकेट नहीं है, यहाँ पे क्या करना है, खाली एक इमल्सिफायर एक्स्ट्रा ऐड करना, बाकी सब चीज लाइन सेम है। समझाता हूँ, पहले मटेरियल को क्लीन करना है, क्लीन करने के बाद पेनेट्रन लगाना है, पेनेट्रन लगाने के बाद आप यहाँ पे कुछ टाइम के लिए ड्यूअल टाइम के लिए रुके थे, तो यहाँ पे भी ड्यूअल टाइम के लिए रुकना है, ठीक है, यहाँ पे भी ड्यूअल टाइम के लिए रुकना है, फिर उसको अप्लाई इमल्सिफायर, वो एक्स्ट्रा केमिकल आता है वो आपको अप्लाई करना है, उसके बाद फिर आपको वाटर वॉशेबल करना है,
या तो यहाँ पे भी वाटर वॉशेबल तो यहाँ पे नहीं था, लेकिन यहाँ पे वाटर वॉशेबल आपको पानी से भी क्लीन करना है। यहाँ पे हम कौन सा यूज किया था? सॉल्वेंट वाइप। सॉल्वेंट वाइप मतलब एक क्लीनर यूज किया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप पानी भी यूज कर सकते हैं, पानी से, ठीक है, पानी से भी निकाल सकते हैं। उसके बाद निकल गया तो आप ड्राई डेवलपर ड्राई होने देना है उसको, क्योंकि पानी डालोगे तो उसको सूखने के लिए टाइम तो चाहिए कि नहीं चाहिए। समझो मैं इसके ऊपर पानी डालता हूं अभी। अभी देखो ये मैंने पानी डाल दिया है, तो अभी इसको ऐसे ही मैं डेवलपर लगा देगा क्या? इसको सूखने तो देना पड़ेगा ना, इसके लिए लिखा है ड्राई होने देना है। या तो यहाँ पे लिखा है अप्लाई वाटर बेस वेट डेवलपर, फिर या तो आप वाटर बेस डेवलपर लगा सकते हैं। वाटर बेस डेवलपर मतलब क्या? वाटर बेस डेवलपर मतलब ऐसा डेवलपर कि जिसमें पानी प्लस ये वाइट पाउडर दोनों मिक्स होगा, उसको वाटर बेस डेवलपर बोलते हैं। कैसा डेवलपर बोलते हैं? वाटर बेस डेवलपर, ठीक है, ओके। इसके बाद फिर वापस उसको ड्राई तो होने देना है ना, डेवलपर समझो आपने लगा दिया, लेकिन सूखने तो देना है ना कि नहीं देना है? सूखने देना है, फिर इसके बाद इंस्पेक्शन करना है, नया कोई रॉकेट नहीं है। उसके बाद वापस क्लीन करना है। हेल्पर क्वालिफाई नहीं है ना, आप ही क्वालिफाई है, आप ही का अथॉरिटी है। ड्राई पाउडर कहाँ पे? यहाँ पे, ओके। ये स्टेप अभी ओके, यहाँ पे आपने वाटर वॉशेबल ड्राई होने दिया, फिर अप्लाई ड्राई पाउडर डेवलपर, वो जो मैं बोला ना टंकी में ऐसा पाउडर भरा है, ऐसा ऊपर नीचे करना है, या तो ऊपर से आपको ड्राई पाउडर का छटकाव करना है, उसके बाद भी आप कर सकते हैं। तो ये मेथड है, यहाँ पे ये भी यहाँ पे पूरा आ गया। वाटर वॉशेबल में क्या है? क्लीन करना है, फिर पेनेट्रेंट अप्लाई करना है, फिर पानी से वॉश करना है, फिर उसको सूखने देना है, या तो वाटर बेस्ड डेवलपर डालना है, फिर उसको सूखने देना है, फिर यहाँ पे डेवलपर डाल के सीधा इंस्पेक्शन करना है। नया कोई रॉकेट नहीं है, ये तीनों का तीन मेथड है, वो मैं आपको प्रैक्टिकल करवाएगा, तब आपको और डेप्थ में आइडिया आएगा। हाँ यस, क्रैक होगा तो वहाँ पे क्या होगा? रेड कलर बाहर निकलेगा, समझे आप? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अभी ड्यूल सेंसिटिव पेनेट्रॉन विल बी फॉलो, भाई ध्यान रखो यहाँ पे, ड्यूल सेंसिटिविटी पेनेट्रॉन विल फॉलो द प्रोसेसिंग सीक्वेंस सिमिलर टू द शोन बिलो। तो पहले प्री क्लीन करना है, प्री क्लीन मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, प्री क्लीन। उसके बाद पेनेट्रॉन अप्लाई करना है, इसके बाद सॉल्वेंट वाइप से भी आप क्लीन कर सकते हैं या वाटर वॉशेबल से भी क्लीन कर सकते हैं, फिर उसको ड्राई होने देना है, फिर एक्वास नॉन डेवलपर अप्लाई करना है, इंस्पेक्शन करना है, पोस्ट क्लीनिंग करना है, ठीक है। ये इसमें सॉल्वेंट से, अगर आपने इससे किया है, पानी से क्लीन नहीं किया है, ये क्लीनर से क्लीन किया है, तो फिर डायरेक्टली आपको फिर अप्लाई ये डेवलपर करना है, उसके बाद इंस्पेक्ट करना है और पोस्ट क्लीन करना है, खलास, ठीक है। तो अभी इधर से जल्दी होगा, मतलब ये मेथड ही हम ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक है, इसके बाद चैप्टर खत्म है, ठीक है। आपको मैं क्वेश्चन आंसर देगा, उसको सॉल्व करना है, ओके। तो सिलेक्शन इज द बेस्ट प्रोसेस इज लिस्टेड पेजेस अबव पेजेस बोथ चार्ट इज डिपेंड ऑन सेंसिटिविटी रिक्वायर्ड। अभी कौन सा मेथड हमको सिलेक्ट करना है, वो किसके ऊपर डिपेंड है, वो भी पता होना चाहिए। लेवल टू आपका तो यार जिम्मेदारी बनता है, लेवल थ्री का जिम्मेदारी बनता है, कौन सा मेथड यूज करना है। आप बोलेंगे कि चलो यार सब वाटर वॉशेबल करो, पेनेट्रन यूज करो, वाटर वॉशेबल मेथड यूज करो, लेकिन आपका पेनेट्रन ही वाटर वॉशेबल नहीं है, तो इमल्सिफिकेशन वाला पेनेट्रन है, तो आप उस टाइम पे वो सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं। आपको ज्यादा सेंसिटिविटी चाहिए तो फ्लोरोसेंट आपको यूज करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि राय अंधेरे वाला ब्लैक लाइट में, यूवीए लाइट में आपको वो यूज करना पड़ेगा। तो सेंसिटिविटी कैसा रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर भी डिपेंड है सिलेक्शन। कोई क्लाइंट ऐसा बोलेगा आपको कि भाई हमको सेंसिटिविटी ज़्यादा चाहिए, हमको फ्लोरोसेंट मेथड ही चाहिए, तब आपको फ्लोरोसेंट यूज करना पड़ेगा, वो वहाँ पे आप सॉल्वेंट क्लीनर बोल देंगे तो नहीं चलेगा। तो क्लाइंट के ऊपर भी रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट अगर बोलेगा तो उसके हिसाब से आपको सेंसिटिविटी कैसा चाहिए उसके ऊपर, नंबर ऑफ आर्टिकल टेस्टेड। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आप जाओगे ना तो बहुत छोटे 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 पार्ट रहते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्ट। वेयर अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग छोटा जो फिटिंग्स फोर्जिंग वगैरह बनाता है ना, वहाँ पे जाओगे ना तो छोटे छोटे ओलेट वेल्ड ओलेट सोकोलेट पाइप एल्बो छोटे छोटे, ये एल्बो कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ। एल्बो कहाँ गया हमारा, ठीक है, एल्बो अभी तो नहीं है, मैं बाद में दिखाएगा, ठीक है। एल्बो गास्केट, यहाँ पे जो गास्केट पड़ा है, ये सब चीज का छोटा छोटा मटेरियल है, उसमें करना है, बहुत छोटे छोटे, लेकिन बहुत ज्यादा है, तब आपको टाइम कंज्यूमिंग कम कौन सा रहेगा, वाटर वॉशेबल जल्दी से हो जाएगा, खट से क्लियर, ऐसा
तो वहाँ पे उस टाइम पे आपको वो मेथड सिलेक्ट करना, मतलब आपको कितना इक्विपमेंट, कितना आपका आर्टिकल चेक करना है उसके ऊपर आपको मेथड सिलेक्शन करना है। आपको सरफेस कंडीशन टू बी इंस्पेक्टेड, सरफेस कंडीशन कैसा है वो आपको, अगर रफ सरफेस है तो फिर आप क्लीनर मेथड यूज़ नहीं कर सकते, नॉन सॉल्वेंट रिमूवेबल वाला मेथड नहीं यूज़ कर सकते। क्यों? क्योंकि उसमें तो क्लीन करते करते आपका दम निकल जाएगा, उससे उस टाइम पे पानी वाला यूज़ करना पड़ेगा, वाटर वॉशेबल वाला यूज़ करना पड़ेगा, तो वो भी डिपेंड है। उसके बाद कन्फ्यूरिगेशन ऑफ द टेस्ट पार्ट, टेस्ट पार्ट का कन्फ्यूरिगेशन, वहाँ पे समझो मैं आपको ये बोलूँ, कुछ जगह ऐसी है वहाँ पे आपका हाथ ही नहीं जा रहा है। चलो मुझे ये बोलो, ये एरिया है, ये एरिया में आपका मुंडी या हाथ नहीं जा रहा है, तब तो क्लीनर करने के लिए, क्लीन करने के लिए अंदर तो घुसाना पड़ेगा ना हैंड को, तो क्लीन ही नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पे कौन सा मेथड यूज करना है वो डिपेंड ऑन यू, तो आपको डिसीजन लेना है। ये वॉल है, शायद उसमें उंगली बराबर जा पाए, लेकिन उससे भी छोटा वॉल होगा तो वहाँ पे क्लीनिंग नहीं हो पाएगा, तब आपको सिलेक्शन कौन सा मेथड करना है। वो कितने मेथड अपने आगे जो डिसाइड किए वो वही मेथड की बात कर रहे हैं, वो कैसे सिलेक्ट करना है, कौन सा मेथड कब सिलेक्ट करना है, कब मुझे ये मेथड सिलेक्ट करना है, कब मुझे ये मेथड सिलेक्ट करना है वो। लेकिन आपकी जानकारी के लिए कर दूं, गल्फ कंट्रियों में मोस्टली हम लोग मोस्टली इसको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये नहीं यूज़ होता है, इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है, ये भी यूज़ होता है। सेंसिटिविटी किस कैसा चाहिए वो भी यूज़ होता है, सेंसिटिविटी के हिसाब से भी। ओके, एबिलिटी ऑफ वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी ही नहीं है और वहाँ पे लेवल थ्री है और आप बोल देंगे कि वाटर वॉशेबल करो, अरे यार पानी तो है नहीं, क्या घंटा वाटर वॉशेबल यूज़ करूँ, पानी तो है नहीं मेरे पास, समझे आप। तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तब कौन सा मेथड यूज़ करो, वो कंप्रेस्ड एयर नहीं है आपको क्लीनिंग करने के लिए, या तो सूटेबल टेस्टिंग एरिया ही प्रॉपरली नहीं है, तो डिपेंड, ये सब चीज़ पाँचों पाँच के ऊपर डिपेंड है कौन सा मेथड सिलेक्ट करना है वो। अब ओके, अभी इतना टॉपिक अगर आप समझ लिया ना, इतना टॉपिक आपका मोस्टली डाई पेनेट्रेंट टेस्ट का पूरा अंडरस्टैंडिंग इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेनेट्रेंट टेस्टिंग इज सक्सेसफुली यूज्ड इन मेटल सच एज एल्यूमिनियम में भी पेनेट्रेंट टेस्ट होता है, मैंगनीजियम में भी, ब्रांज में, कॉपर, कास्ट आयरन, स्टेनलेस स्टील, टिटेनियम एंड मोस्ट अदर कॉमन एलॉय में भी मटेरियल में यूज होता है डाई पेनेट्रेंट टेस्ट। दूसरा, इट कैन ऑल्सो यूज द टेस्ट ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग सिरेमिक्स में भी यूज होता है पेनेट्रेंट टेस्ट। कोई आपको बोलेगा कि सिरेमिक्स में आपको क्वेश्चन आएगा, इसका एक लिख लो, लेवल थ्री का आपका एग्जाम देने जा रहे तो आपको आएगा ही आएगा, ठीक है। लेवल टू का एग्जाम देने जा रहा है, उसमें तो 3-4 क्वेश्चन घुसाए हुए मैंने। ओके, अगर इट कैन ऑल्सो यूज अदर मटेरियल इंक्लूडिंग सिरेमिक्स में भी होता है, प्लास्टिक में भी डाई पेनेट्रेंट टेस्ट होता है। आप सोचो प्लास्टिक भी क्रैक है कि नहीं है आपको पता करना है, तो आपको प्लास्टिक में भी डाई पेनेट्रेंट टेस्ट कर सकते हैं। मोल्डिंग रबर तो एकदम सिंपल है ना, उसमें भी डाई पेनेट्रेंट टेस्ट होता है। आप सोचो रबर में, पाउडर मेटल प्रोडक्ट एंड ग्लास में भी आपका डाई पेनेट्रेंट टेस्ट होता है। तो इतना मटेरियल में डाई पेनेट्रेंट टेस्ट होता है, आपको ऑप्शन ग्लास दिया जाएगा, हमने तो कभी ग्लास में किया ही नहीं है पेनेट्रेंट टेस्ट, वो ग्लास रॉन्ग आंसर है, ऐसा रॉन्ग मार्क आ जाओगे और घुस जाएगा पैसा, समझे आप। इतने मटेरियल में किस में नहीं होता है, ये तो मटेरियल में होता है उसका, अभी किस में नहीं होता है। तो पेनेट्रेंट टेस्टिंग इज लिमिटेड बाई इनेबिलिटी ऑफ द टेस्ट मटेरियल विथ इन द डिसकंटिन्यूटी, नॉट ओपन टू द सर्फेस। अगर ओपन टू द सर्फेस डिसकंटिन्यूटी नहीं है, भले ही कोई भी मटेरियल में करो, लेकिन सर्फेस के ऊपर ओपन में ही नहीं है डिसकंटिन्यूटी, तो हम नहीं कर सकते ना। सर्फेस के ऊपर जो डिसकंटिन्यूटी होगा, वो जो खुला होगा उसका मुंह, उसी में डाई पेनेट्रेंट टेस्ट वही चीज पकड़ पाएगा। डाई पेनेट्रेंट टेस्ट उसका मटेरियल के अंदर ही क्या है, अगर मैं ये बोलूं कि ये मेरा मटेरियल है इसके बीचों बीच में, लेकिन मेरे को दिख नहीं रहा है, मुझे पता है यूटी किया है तो मुझे पता है बीच में क्रैक है, लेकिन डाई पेनेट्रेंट टेस्ट ओपन टू द सरफेस नहीं होगा तो हमको नहीं पता चलेगा, समझे आप। ओके, एंड हैविंग एक्सट्रीमली पोरस सरफेस, पोरस सरफेस मतलब ये पोरस सरफेस है, पॉन्ज, इसमें डाई पेनेट्रेंट टेस्ट नहीं कर सकते, ये पॉन्ज है, यहाँ से तो पेनेट्रेंट ना डालोगे यहाँ से निकल जाएगा, समझे, तो इसमें आप पेनेट्रेंट टेस्ट पोरस सरफेस में नहीं कर सकते। तो यहाँ पे चैप्टर क्लोज होता है। थैंक यू वेरी मच, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन काम आएगा, और ऐसा है तो मैं यूट्यूब में भी डाल देगा। थैंक यू वेरी मच।